हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश सीखो। आई एम पूनम। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं यहाँ पर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल सेंटेंसेस हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें और एंड में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस आप अपनी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली और वीडियोज़ है वो आपको टाइम पर मिलती रहेंगी और आप उन्हें टाइम पर देखते रहेंगे। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करेंगे अगर सामने वाला पर्सन अपना काम निकलवाने के लिए आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि वो आ टाइम ऐसे नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? डोंट ट्राई टू बटरिंग मी अप। डोंट ट्राई टू बटरिंग मी अप। द नेक्स्ट इज, मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करेंगे अगर आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते हो, वेट नहीं कर सकते हो, आपका उसका रिजल्ट तुरंत चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? आई कांट वेट। आई कांट वेट। द नेक्स्ट इज, चाहे जो हो जाए हम ऐसा नहीं करेंगे। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है किसी काम को करने के लिए, लेकिन आप वो नहीं करना चाहते हो। इसे अगर इंग्लिश में बोलें तो कैसे कहेंगे? वट एवर हैपन्स वी विल नॉट डू इट। वट एवर हैपन्स वी विल नॉट डू इट। द नेक्स्ट इज, वो बहुत देर बाद आया था। इस सेंटेंस का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं और तब करते हैं अगर आपसे कोई पूछ रहा है किसी पर्सन के बारे में और आपसे बता रहे हो कि वो बहुत देर बाद आया था। तो इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। ही हैड कम आफ्टर अ लॉन्ग। द नेक्स्ट इज, बहस मत करो। अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ आर्ग्यू किया जा रहा है और आप नहीं करना चाहते हो, तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो। आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट आर्ग्यू। डोंट आर्ग्यू। अगर आप कहना चाहते हो कि मेरे साथ बहस मत करो, तो डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी। द नेक्स्ट इज, उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करेंगे अगर किसी पर्सन ने बहुत बड़ी गलती करी है और वो आपसे सॉरी नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि वो आपसे सॉरी कहे। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? ही विल हैव टू से सॉरी। ही विल हैव टू से सॉरी। द नेक्स्ट इज, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करेंगे अगर आप अचानक से कहीं पर जाते हैं और वहाँ का माहौल देख करके आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो आप पूछ सकते हैं। इंग्लिश में कैसे आप पूछेंगे? वट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हेयर। वट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हेयर। द नेक्स्ट इज, तुम अपने संस्कार भूल रहे हो। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलें तो कैसे कहेंगे? यू आर फॉरगेटिंग योर कल्चर। यू आर फॉरगेटिंग योर कल्चर। द नेक्स्ट इज, वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर कोई पर्सन है और वो क्या करता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का काम करता है और आपको पता है कि वो आपके फ्रेंड के खिलाफ आपको भड़का रहा है, तो आप उसे अपने दोस्त को बता सकते हो। इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? ही हैड इंस्टिगेटिंग मी अगेंस्ट यू। ही हैड इंस्टिगेटिंग मी अगेंस्ट यू। द नेक्स्ट इज, वो तुम्हारे जैसे ही दिखती है। इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है, आप तब कहेंगे अगर दो पर्सन आपको लुक वाइज सेम दिखते हैं। आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शी लुक्स लाइक यू। शी लुक्स लाइक यू। द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम्हारे फ़ोन में इंटरनेट चल रहा है? इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है और आप सामने वाले से जानना चाह रहे हैं कि उनके फ़ोन में चल रहा है या नहीं, तो आप कैसे पूछेंगे? इज़ इंटरनेट वर्किंग ऑन योर फ़ोन। इज़ इंटरनेट वर्किंग ऑन योर फ़ोन। द नेक्स्ट इज, मुझे भूख लग रही है। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें भूख लग रही हो। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग हंगरी। आई एम फीलिंग हंगरी। द नेक्स्ट इज, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोल रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे? यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। द नेक्स्ट इज, उसे गुम चोट आई है। अगर आप किसी को बता रहे हो और उसे गुम चोट आई है, तो आप इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? ही हैज़ गॉट एन इंटरनल इंजरी। ही हैज़ गॉट एन इंटरनल इंजरी।
द नेक्स्ट इज और कितने दिन लगेंगे। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलें तो आप कैसे कहेंगे, हाउ मैनी मोर डेज विल इट टेक, हाउ मैनी मोर डेज विल इट टेक। द नेक्स्ट इज तुम बहुत छोटी सोच के इंसान हो। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस हम उन पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं जो बहुत छोटी सोच वाले लोग होते हैं, यानी कि जो बहुत गलत सोचते हैं। तो इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे, यू आर अ वेरी चीप माइंडेड पर्सन, यू आर अ वेरी चीप माइंडेड पर्सन। द नेक्स्ट इज तुम कब से फ़ोन में लगे हुए हो। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं अगर आपके सामने वाला पर्सन बहुत देर से फ़ोन पर बिजी है, उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन ऑन द फ़ोन, हाउ लॉन्ग यू हैव बीन ऑन द फ़ोन। द नेक्स्ट इज मेरे पास 10 रुपये कम है। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करेंगे अगर हम कोई सामान ले रहे हैं और हमारे पास पैसे कम पड़ जाए। तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम शॉर्ट बाई 10 रुपीज़, आई एम शॉर्ट बाई 10 रुपीज़। द नेक्स्ट इज उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, चाहे वो स्टडी में हो या किसी अदर फील्ड में हो। इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे, ही विल हैव टू वर्क हार्डर, ही विल हैव टू वर्क हार्डर। द नेक्स्ट इज क्या तुम मेरा एक काम करोगे। ये सेंटेंस हम तब यूज़ करते हैं अगर किसी से किसी चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़, वुड यू डू मी अ फेवर प्लीज़। द नेक्स्ट इज मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इसे इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई प्रोमिस यू, आई प्रोमिस यू। द नेक्स्ट इज क्या आप मुझसे नाराज़ हो। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर सामने वाला पर्सन आपसे नाराज़गी दिखा रहा है या आपसे बात नहीं कर रहा है। तो आप इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे, आर यू एंग्री विद मी, आर यू एंग्री विद मी। द नेक्स्ट इज आसमान बादलों से घिरा हुआ है। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलें तो कैसे कहेंगे, द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी। या फिर आप कह सकते हो द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। द नेक्स्ट इज मुझे बाद में याद दिलाना। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर सामने वाला पर्सन आपको कोई काम कह रहा है, कोई काम करने के लिए बोल रहा है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हो कि अभी मैं बिजी हूँ, मुझे बाद में याद दिलाना। तो आप कैसे इंग्लिश में कहेंगे, रिमाइंड मी लेटर, रिमाइंड मी लेटर। द नेक्स्ट इज मैं आपके बिना ये नहीं कर सकता। इस सेंटेंस का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर इसे इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे, आई कॉन्ट डू दिस विदाउट यू, आई कॉन्ट डू दिस विदाउट यू। द नेक्स्ट इज अपनी जवान को लगाम दो। इस सेंटेंस का यूज़ हम तब करते हैं अगर सामने वाला पर्सन आपके साथ अब्यूजिंग कर रहा है, तो आप गुस्से में उन्हें कह सकते हो। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, माइंड योर टंग, माइंड योर टंग। द नेक्स्ट इज मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। इसे इंग्लिश में अगर कहना हो तो आप कैसे कहेंगे, आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू, आई ऑलवेज स्टैंड बाई यू। द नेक्स्ट इज उसने तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा किया। इस सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे कहेंगे, ही रियली डिड अ रॉन्ग विद यू, ही रियली डिड अ रॉन्ग विद यू। द नेक्स्ट इज हम नाश्ता कर रहे हैं। इस सेंटेंस का यूज़ आप तब करेंगे जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो और अगर आपको कोई कॉल आ जाए, वो आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तो आप उस टाइम कह सकते हो। इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट, वी आर हैविंग ब्रेकफास्ट। द नेक्स्ट इज बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप कैसे कहेंगे, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो आप इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में ज़रूर ऐड कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोज़।